पकड़ नहीं सकती ब्रेक, एबीएस का साइन लगा रही है। तो अभी हमने वो आगे उस पहाड़ पे जाना है, तो वहां तक गाड़ी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। और इसी जंगल की मैं बात कर रहा था, ये जंगल है सामने, तो वो भरी हुई है हमारे ऊपर, फिलहाल बर्फ पड़ रही है। देखते हैं यहाँ से हमारे लग गए थे, और वो पीछे नाला बहुत ही डेंजर, हमेशा से डेंजर रहा है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो आप सोच रहे होंगे हम पीछे क्यों जा रहे हैं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं। दरअसल हमने पिकअप बना के लाए थे पीछे से, और चढ़ी नहीं गाड़ी, आप टायर्स का निशान देख सकते हैं, यहाँ तक हम आए, उसके बाद आगे चढ़ी नहीं, हम बैक गए। फिर से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो थोड़ी सी पुशअप की ज़रूरत है, पता नहीं किससे आएगा, मुझे लगता है किसी को जोर लगाना पड़ेगा। देखिए मैं फिर से ट्राई किया, बट फिर से नहीं चढ़ी गाड़ी। जी गाइज, आप देख सकते हैं गाड़ी को मोशन बना के लाना पड़ रहा है, टायर बहुत ज़्यादा स्किड कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस, पंच को अगेन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको जैसे कि दिख रहा है बर्फ ऊपर से पड़ रही है, और नीचे भी जो रोड है पूरी बर्फीली हो चुकी है, मतलब जम भी चुकी है। इसी पे जो गाड़ी है उसका मतलब मोशंस बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ तक आती है कि यहाँ पे रुक जाती है। तो मैं फिर पहले भी लाया हूँ, दो बार यहाँ से वापस गई। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, उसमें आपको पता चलेगा यहाँ के कैसे फंसी थी गाड़ी, और क्यों फंसी थी ये भी आपको उसी में दिखेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ तक पहले भी लाया हूँ, जिस बार भी आई तो है, अब देखते हैं आगे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। फिलहाल चढ़नी तो चाहिए, कोशिश पूरी है, पर नाकाम, नहीं चढ़ी। हम जोर लगाएंगे, आप कैमरा मैन बनिए। बोल रही कि मैं पकड़ नहीं सकती ब्रेक, एबीएस का साइन दिखा रही है, कैमरा मैन तो मैं ही पकड़ूंगा। तो गाइस, हमें जोर लगाना पड़ रहा है, जोर लगा के। शाबाश 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 भाई, शाबाश 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 शाबाश, जोर लगा के, शाबाश शाबाश शाबाश। Oh my God, guys! तो गाइस, बर्फ पड़ना शुरू हो गई और हमारी लग गए थे लगभग, क्योंकि हमें पुश की ज़रूरत पड़ी। तो अजय भाई को हमने जोर लगाने में रखा, क्योंकि ज़रूरत थी एक बंदे की जोर लगाता, नहीं तो हम फंस चुके थे वहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए पीछे, और फिलहाल बर्फ शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, और अजय भाई काफ़ी थक चुके। जोर लगाया इन्होंने बहुत ज़्यादा। और इसी जंगल की मैं बात कर रहा था, ये जंगल है सामने, तो वो भरी हुई है हमारे ऊपर, फिलहाल बर्फ़ पड़ रही है, तो ये आप देख सकते हैं यार। तो अभी गाड़ियाँ नहीं आ रही पीछे से, इसलिए मैंने यहाँ पे लुक है, पता नहीं कब आएगी गाड़ियाँ की, देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे लग गए थे, और वो पीछे नाला बहुत ही डेंजर, हमेशा से डेंजर रहा है। अभी तो लुक है, फिर भी डेंजर था, क्योंकि ये सेट हो चुका है, मतलब इसमें आइस लग चुकी है, फ्रीज हो चुका है ये, तो ये वहाँ से यहाँ तक काफ़ी डेंजर था, तो जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, फिर जोर लगवाया अजय से, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। चलते हैं अब आगे, क्योंकि आगे और मज़ेदार है। चलिए, उम्मीद है आप व्लॉग में बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी पार्ट्स में व्लॉग आने वाला है, इतना लंबा हमें डालना अच्छा नहीं लगता। तो अभी हमने वो आगे उस पहाड़ पर जाना है, तो वहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, कमेंट ज़रूर करें आप, बताएं हमें। और हमारे ऊपर बर्फ़ देखिए पड़ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी बताइएगा हमारा नया लुक आपको कैसा लग रहा है, हमने पहली बार इस लुक के साथ वीडियो में आए हैं, तो ये भी आप ज़रूर कमेंट की करके बताइएगा। तो फिलहाल चलते हैं हम आगे, देखते हैं कहीं और फंसती है। देखिए, दो बंदे मुझे अनिवार्य थे लाने, पर मैंने थोड़ी सी मस्ती कर दी,
क्योंकि एक बंदा तो जोर लगाना ही पड़ेगा कहीं ना, थोड़ी पुश करनी पड़ेगी, या तो फिर पीछे से मोशन बन के आता है तो वो हमने वहाँ पे तोड़ दिया क्योंकि गाड़ी आई थी आगे से उस वजह से। तो चलिए अब चलते हैं आगे, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। ये गाड़ी यहाँ के लिए बनी हुई है फिलहाल तो लुक है, इसलिए नहीं तो मुश्किल से चढ़ती है। पिछले साल मैं सच बताऊँ आपको, पिछले साल गाड़ी को हुए थे लगभग 3 या 4 महीने, तो तब बर्फ पड़ रही थी और नीचे भी बर्फ थी, तब इजली निकल गई थी। इजली तो नहीं, हमने बहुत विनतियां करी थी, जय माता दी बोल के निकाली थी। और इसी जगह पे ये था और राहुल था मेरे साथ, तो उन्होंने जोर लगाया था इसी जगह पे, मुझे याद आ रहा है। तो इसलिए मैंने पहले ध्यान में रखा कि मुझे एक और बंदा लाना चाहिए साथ में। तो चलिए जो भी है, मोशन नहीं तोड़ना चाहिए हमें गाड़ी का, नहीं तो हमारे लग जाएंगे जैसे पीछे लगे थे। हमारे तो क्या ही लगते हैं, अजय भाई के ज्यादा लगते हैं। उम्मीद है यहाँ से पीछे ज्यादा बर्फ ना हो, क्योंकि वहां पे सेट होती है ज्यादा बर्फ, वो नाला है तो वहां पे लगभग अगर आप नाले में रात को बैठेंगे तो आपको -25 टेम्परेचर महसूस होगा नाले में, तो इसीलिए वहां पे फ्रीज हो जाती है पूरी जो नीचे वाली बर्फ रहती है। तो ये जो पड़ रही है बर्फ लाइव, ये भी आपको दिख रही है क्योंकि आज रात को और पड़ने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आने वाले ब्लॉग्स हैं मैं जो टायर चेंज कर दूंगा, क्योंकि आगे वाले घिसे हुए हैं बहुत ज्यादा, तो चेंज करेंगे पीछे वाले आगे कर देंगे, आगे वाले पीछे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं, जिसको भी इस बारे में नॉलेज होगा। फिलहाल तो हम ट्राई करेंगे पर देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, क्योंकि मुझे पिछला साल याद आ रहा है जब मैं ऐसी ही बर्फ थी और तब बर्फ पड़ रही थी और नीचे बहुत ज्यादा थी, तब इजली पंच निकल गई थी। तो अभी मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, और कुछ नहीं, पता नहीं कंपनी वाले रेफर करते हैं ऐसा कि नहीं करते, वो मुझे नहीं पता। तो गाइस हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए मेरे, ग्लव तो है मेरे पास पर एक ही है, कैमरामैन के साथ 9 साल के। ओहो यहाँ से भी मोशन करना चाहिए, नहीं तो लग सकते हमारे। जो ताजा बर्फ पड़ रही है इसमें ज्यादा मजा शूट करने का। इस साल की दूसरी बर्फ है ये यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप बर्फ पड़ रही है, पर इंजॉय कीजिए बर्फ, इस सीजन की दूसरी है। सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्योंकि एक व्लॉग हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाना चाहेंगे। तो फिलहाल आप, उम्मीद है आपने यहाँ तक मज़ा लिया होगा इस सीनरी का, उस ब्यूटीफुल व्यू का, और जो लाइव स्नो हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो अभी रात को और ज़्यादा पड़ने वाला है, तो कल देखते हैं क्या शूट कर पाते हैं हम बर्फ़ के बीच में, क्योंकि अगर फीट 1.5 फीट हो गई तो बिना JCB के नहीं चल सकती। गाइस अब हम खोलते हैं गाड़ी, ये यहाँ पे चाबी का थोड़ा सा।